रेडिएशन का इस्तेमाल, खाने के पदार्थ, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और आइसोटोप्स के क्षेत्र में तभी से हो रहा है जब 1895 में जर्मन इंजीनियर विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। 1952 में रेडिएशन का इस्तेमाल पॉलीएथिलीन पर किया गया। ई बीम सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम पैदा करके उसे एक्सेलरेट करती है। इसमें डायरेक्ट हाई वोल्टेज से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पैदा की जाती है। इसमें एक मैग्नेटिक स्कैनर सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम को किसी मटेरियल पर डालते वक्त नियंत्रित करता है। क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस। पॉलीमर्स हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के मजबूत बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के कमजोर बॉन्ड्स होते हैं। ई बीम रेडिएशन में पॉलीमर को इलेक्ट्रॉन्स की तेज धारा के सामने रखा जाता है। ये तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स कमजोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। क्रॉस लिंकिंग की वजह से पॉलीमर्स की थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल खूबियां काफी बेहतर हो जाती हैं। जैसे पीवीसी की तापमान सहने की क्षमता बढ़ जाती है। सामान्य वायर्स की क्षमता 70 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। ज्यादा तापमान सहने की क्षमता से उसमें करंट कैपेसिटी की क्षमता भी दुगनी से ज्यादा बढ़ जाती है। इससे केबल्स का इंसुलेशन पिघलता नहीं है। केबल्स जल्दी घिसते या कटते नहीं है। इससे केबल्स की ऑपरेटिंग उम्र भी सामान्य 15 से 20 साल से बढ़कर करीब 50 साल तक हो जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम के प्रभाव देखने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। सोल्डर आयन टेस्ट। इसमें सामान्य वायर का कॉपर संपर्क की जगह पर खुल जाता है, जबकि अपार अनुशक्ति ई बीम वायर का कॉपर नजर तक नहीं आता क्योंकि ये पिघलता नहीं है। ऐसे ही एक और टेस्ट में हम 1 square mm के सामान्य FR वायर को और अपार अनुशक्ति के 1 square mm FR वायर को सीरीज में जोड़ते हैं। सामान्य FR वायर में 11 से 12 एम्पियर का कंटिन्यूस करंट गुजरता है। अब इन दोनों वायर्स में उतने ही समय के लिए 40 से 41 एम्पियर का करंट पास करते हैं। अब देखते हैं ओवरलोड के वक्त इन वायर्स का क्या होता है। कुछ ही मिनट में सामान्य वायर से धुआं निकलने लगता है और फिर अगले कुछ सेकंड बाद उसका इंसुलेशन पिघल के अंदर का कॉपर नजर आने लगता है। हीट और मेल्ट रेजिस्टेंट अपार अनुशक्ति ई बीम FR वायर से धुआं निकलता है, लेकिन इसका इंसुलेशन पिघलता नहीं है और कॉपर नजर नहीं आता। इसका मतलब कि संकट के समय ई बीम वायर्स ज्यादा सुरक्षित होते हैं। केबल्स और वायर्स के क्षेत्र में अपार इंडस्ट्रीज आज एक भरोसेमंद नाम बन चुका है और इनका इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े उद्योगों में किया जाता है। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे सके, क्योंकि अपार इंडस्ट्रीज का एक ही मकसद है कि हम कल की प्रगति को आज ही अपनाकर दुनिया भर में सबके सपने पूरे करें।